हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एम एन एस टारगेटिंग एम एन एस ट्वेंटी दिस इज़ बायोलॉजी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग मॉक टेस्ट फॉर यू गाइस दैट्स व्हाई द वीडियोस आर डिलेइंग बट डोंट टेक टेंशन जल्दी हम आपके साथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन इज फंगाई also live as symbionts in association with roots of higher plants known as simply यहाँ पर कहा गया है जो फंजाई जो है वो roots जो होते हैं higher plants के साथ उनके साथ एक relationship that is symbionts association maintain करते हैं तो उसे क्या कहते हैं lichens mycorrhiza dicaryon rhizopus सो so, जो फंगाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं उसे हम माइक्रोराइजर कहते हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर लाइकेंस क्या होता है कोई भी फंजाई है वो एसोसिएशन मेंटेन करता है किसके साथ अगर एसोसिएशन मेंटेन करता है एलगे के साथ ठीक है फंगा एंड एलगे एक दूसरे के साथ एसोसिएशन मेंटेन करते हैं तो उसे हम लाइकेंस कहते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाइ इंडिकेट्स इंक्लूड्स थ्री स्टेप्स जो फंजाइ जो है जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मोड का यूज करते हैं तो वो थ्री स्टेप्स यूज करते हैं इन चारों में से कौन सा थ्री स्टेप में इंक्लूड नहीं होता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगेमी माइटोसिस इन जायगॉट रिजल्टिंग इन हैप्पलॉइड स्पोर्स इन जयगॉट कौन सा इंक्लूड नहीं होता है स्टेप सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मियोसिस इन जयगॉट ठीक है मियोसिस इन जयगॉट जो है सॉरी गाइज या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर माइटोसिस माइटोसिस इन resulting रिजल्टिंग इन हैप्पलॉय स्पोर्स ये नहीं होता है ठीक है बाकी plasmogamy पहला स्टेप है प्लाज्मो plasmogamy मतलब फ्यूजन होना प्रोटोप्लाज्म का ठीक है फिर कैरियोगी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगी और उसके बाद मियोसिस इन जाइोड रिजल्टिंग इन हैप्पलॉयड स्पोर्स ये थर्ड स्टेप है ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिविज़न फाइकोमाइसिटीज़ डिविजन फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है आपको पता है कि फंजाई किंगडम है किंगडम के अंदर क्या आता है डिविजन्स आते हैं ठीक है थीके? तो बहुत सारे अलग अलग डिविजन् फाइकोमाइसिटीज़ एस्कोमाइसिटीज़ ड्यूटैरोज़ बेसीडियोमाइसिटीज़ तो यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज़ की बात करी इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज़ का एल्ब्यूगो पेनीसिल सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज एलबियूगो ठीक है एलब्यूगो आपको तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं फाइको मैसिटीज का द ट्रिक टू लर्न इज राम ठीक है फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है राम राम में आर से हो जाएगा राइजोपस ए से एलब्यूगो एंड एम से आपका हो जाएगा म्यूकोर ठीक है तो ये तीन हो गए राइजोपस एलब्यूगो म्यूकोर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन फॉर्म क्या है मशरूम्स पफ बॉल्स ब्रैकेट फंजाए ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज हम लोग बेसीडियो को मशरूम भी कहते हैं पफ बॉल्स भी कहते हैं ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं ठीक है यहाँ पे क्या है कि जो किंगडम है उसमें अलग अलग डिविजन्स है ठीक है उसका एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़्यादा टफ है जैसे मैंने आपको सबका ट्रिक बताया है फाइको का राम ठीक है ऐसे ही आपके पास एस्को आएगा तो एस्को का आप क्या लिखोगे एस्को का आप लिखोगे एन ए सी ठीक है एन ए सी इसका ट्रिक है जिसमें एन का मतलब अगर हम पूछे एन ए सी में एन का मतलब हो जाएगा आपको ऐसे करके याद रखना है एन से न्यूरोस्पोरा ए से एस्परजिलस और सी से क्लेविसेप्स ठीक है तो एन ए सी एस्कोमाइसिटीज ठीक है फिर आएगा बेसिडियोमाइसिटीज तो बेसिडियोमाइसिटीज का क्या होगा द ट्रिक टू लर्न बेसिडियोमाइसिटीज दैट इज़ पुआ पी यू ए पुआ तो पी से आपका हो जाएगा प्यूसिनिया यू से यूस्टिलेगो और ए से अगारिकस ठीक है और एक और हमारे पास है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज़ लास्ट क्या है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इसका हो जाएगा कैट कैट सी से कोलेंटोट्राइकम ए से अल्टरनेरिया एंड टी से ट्राइकोडर्मा तो ये कैट तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहला था एस्कोमाइसिटीज़ का राम फिर सॉरी फे फाइको माइसीटीज़ का राम एस्कोमाइसिटीज़ का एन ए सी फिर बेसिडियो माइसिटीज़ का पी यू ए और लास्ट हमने देखा ड्यूटेरो माइसिटीज़ का दैट इज कैट सी ए टी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ किंगडम फनजाई इज नॉन एज इम परफेक्ट फनजाई चार डिविजन है इसमें से इम परफेक्ट फनजाई किसे कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज ठीक है ड्यूटेरोमाइसिटीज इज़ ऑल्सो नॉन एज इम परफेक्ट फंजाई रीजन क्या है बिकॉज ओनली द ए सेक्शुअल ए सेक्शुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाइज आर नोन इसमें कोई भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ठीक है तो इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूड वायरस जो ये टर्म है या जो वर्ड है या नाम है किसने दिया है डी जे वेनास्की एम डब्ल्यू बेंजनिक डब्ल्यू एम स्टैनले एंड पैसचर यहाँ पे चारों नाम जो हैं, ले ले है ये वायरस रिलेटेड ही है ठीक है एंड चारों नाम इम्पॉर्टेंट है एक एक करके डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे वायरस जो नाम है ये पैश्चर ने दिया है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर नाउ डी जे इवेनास्की जो है इन्होंने टोबैको वायरस का रिकॉग्नाइज किया था रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज विच कॉज मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको ठीक है तो इन्होंने टोबैको वायरस ढूंढा था मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोबैको ठीक है नेक्स्ट एम डब्ल्यू बेंजनी ठीक है इन्होंने क्या किया था आ, इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड प्लांट्स के टोबैको में जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनका एक पार्ट लिया था एंड कूड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लान्स ठीक है उन्होंने ये बोला कि ये जो इन्फेक्टेड प्लान्ट न ये हेल्दी प्लान्ट में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं एंड इन्होंने इसे बोला था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड ठीक है इस टोबैको वायरस को इन्होंने इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड बोला था डब्ल्यू एम डब्ल्यू बेंजरनिक ने फ्लूड कंटैजम वीवम फ्लूडम ठीक है डब्लू एम स्टैंड ने क्या किया था क्रिस्टलाइज किया था इन्होंने बोला था कि वायरस जो होते हैं हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वायरोइड्स इज डिस्कवर्ड बाई होम वायरोइड्स किसने डिस्कवर किया था डी कैंडोल टीओ डाइनर थियोफ्रास्टस डब्ल्यू एम स्टैनले तो डब्ल्यू एम स्टैंडले एस आई सेड कि इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज टी ओ डीनर एंड डी कैंडोले इन्होंने एक टर्म दिया था दैट इज़ टैक्सोनॉमी ठीक है तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है इज गिवन बाय डी कैंडोले ठीक है नेक्स्ट द स्टडी ऑफ एल्गे इज नॉन एज वॉट स्टडी ऑफ एल्गे को क्या बोलते हैं फायोलॉजी मायोलॉजी फाइकोलॉजी एल्गेलॉजी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फाइकोलॉजी ठीक है फाइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ एलगे ऑप्शन सी अच्छा यहाँ पे एल्जियोलॉजी कुछ नहीं होता है फायोलॉजी नथिंग मायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मसल्स ठीक है मायोलॉजी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे इज़ नॉन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज यहाँ पे जितने ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आइसक्रीम्स एंड जेलीज के लिए कौन सा एल्गे यूज़ किया जाता है एल्जिन अगर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया बोथ बी एंड डी बोथ डी एंड सी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल्सो एंड डी दैट इज ऑप्शन नंबर एफ बोथ डी एंड सी ठीक है जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों ही आइसक्रीम्स एंड जेली प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं नेक्स्ट

क्लोरेला ठीक है तो ये दोनों यूज किए जाते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रीन एल्गे इज कोलोनियल एलगे ग्रीन एलगे जो होता है उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं ठीक है आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा ग्रीन एलगे यूनिसेलुलर है प्लस मोटाइल है या यूनिसेलुलर है प्लस नॉन मोटाइल है या कोलोनियल है तो यहाँ पे कोलोनियल पूछा है तो राइट right आंसर हो जाएगा वॉल आपको याद रखना है ग्रीन प्लस एलगे कौन सा है वॉलवॉक्स ठीक है ये नीट के क्वेश्चन रिपीटेड एंड एम में भी पूछा गया है ठीक है अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे देखिए ग्रीन एलगे यूनिसेलुलर एंड मोटाइल ठीक है तो राइट आंसर विल भी, भी क्लेमाइडोमोनास कोलोनियल पूछा तो वॉलवॉक्स और क्लोरेला जो है ये आपका यूनीलुलर तो है यूनीलुलर होगा बट नॉन मोटाइल होगा ठीक है बट नॉन मोटाइल होगा और स्पायरोगेरा जो है ये मल्टी सेलुलर होगा मल्टी सेलुलर और फिलामेंटियस ठीक है तो आपको याद रखना है नेक्स्ट लगे इज लार्जेस्ट इन साइज कौन सा एलगे लार्जेस्ट होता है साइज में क्लोरो फेफाइसी रोडोफाइसी बोथ ए एंड बी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दट इज फेफाइसी फेओफाइसी का कॉमन नेम क्या है दैट इज ब्राउन एल्गे ठीक है तो ब्राउन एल्गे जो होता है ये लार्जेस्ट होता है इन साइज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एल्गे गॉडिव्स इफेक्ट मतलब कौन से टाइप के हम गॉडिव्स इफेक्ट देखने को गॉडिकोव्स इफेक्ट देखने को मिलता है गॉडिकोव्स इफेक्ट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ सी ठीक है समुद्र है तो समुद्र कितना गहरा है उस बेसिस पे रेड एल्गे जो है अपने आप कलर चेंजेस करती है ठीक है अपने आप कलर चेंजेस करती है जितना डेप्थ होगा उतना कलर में चेंज आता है तो दैट इज नॉन एज गॉडिकोव इफ़ेक्ट तो रेड एल्गे मैंने आपको जैसा कि बोला तो ऑप्शन सी रोडोफाइसी में हमें देखने को ये मिलता है गॉडिकोव इफ़ेक्ट ये ये एन में नहीं है बट ये रिपीटेड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ देम इज द मेजर पिगमेंट ऑफ फेओफाइसी फेओफाइसी का मेजर पिगमेंट क्या है फेओफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गे क्लोरोफिल बी देन वायोलाजेंथिन फ्यूकोजेंथिन और फाइक्रिथ्रिन सो द राइट आंसर इज फ्यूकोजेंथिन ठीक है फ्यूकोजेंथिन जो है ये ब्राउन एलगे का है मेजर पिगमेंट वायोलाजेंथिन जो है ये ग्रीन ठीक है ग्रीन एलगे का है ग्रीन एलगे का ये मेंशन नहीं है वैसे एन में बट ये ग्रीन एलगे का होता है एंड फाइकोरेथ्रिन जो है ये आपके रेड एलगे का मेजर पिगमेंट है नेक्स्ट इन रोडोफाइसी यानी कि रेड एलगे द फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेड एलगे में फूड जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है मैनीटॉल के फॉर्म में लेमिनेरिन स्टार्च और फ्लोरिडिन स्टार्च सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज़ फ्लोरिडिन स्टार्च ठीक है फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है फूड रोडोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है ग्रीन एल्गे यानी कि क्लोरोफाइसी में लैमिनेरिन एंड मैनीटॉल ये दोनों के फॉर्म में फूड स्टोर होता है किसमें ब्राउन एल्गे में ठीक है ब्राउन एल्गे में नेक्स्ट बिच ऑफ देम इज़ नॉन एज रेप्टल्स ऑफ प्लांट किंगडम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं मॉसिस

प्लांट किंगडम नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पम किसे कहते हैं जामिया पिगमिया सेलेजिनेला इक्विसेटम एंड वेलविशिया सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज जामिया पिगमिया इसे हम स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पम कहते हैं नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट मैंने तीन चार जगह देखा सो आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन So yeah these are the questions for today I hope you guys like this thank you so much for watching please like comment and yeah mock tests are on the ways uh, share to the friends who are preparing for mNs 2022 and if you are new to this channel subscribe to my channel to solve free 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 mock test okay thank you so much keep supporting.